नमस्कार, डेढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने आज श्रीलंका को 88 रनों से हराकर न केवल दूसरा T20 मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर लिए। अब तीसरा अंतिम T20 मैच बस एक औपचारिकता है। जी आपको बता दें कि 88 रन से बड़ी जीत 260 रन T20 में बनाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खासियत रही, क्योंकि ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, इससे पहले केवल दो बार 260 रनों से ऊपर किसी टीम ने स्कोर कर पाई है। ऐसे में आपको बता दें, श्रीलंका की ये बड़ी हार कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए काफी झटका देने वाली बात है, क्योंकि वनडे में करारी हार के बाद T20 में करारी शिकस्त। जी हाँ, पहले मैच में 87 पे ऑल आउट और दूसरे मैच में 88 रन से हारना, दोनों ही स्कोर ये बताते हैं कि श्रीलंकाई टीम को अब काफी कड़ी मशक्कत की जरूरत है कि वो फाइट दे पाए। मैच जीतने की बात तो दूर है। तो वहीं टीम इंडिया की बात करें कि विराट कोहली की कप्तान के बिना खेले टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दिखा दिया कि अगर प्लेयर बढ़िया हैं तो टीम शानदार खेलेगी, और विराट कोहली की कमी को कहीं महसूस नहीं होने दिया रोहित शर्मा ने। जी हाँ, कप्तानी पारी खेल के बेहतरीन शतक वनडे में भी और T20 में भी, तो वहीं कई रिकॉर्ड बनाए हैं कप्तान के बनने के बाद रोहित शर्मा ने। हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल दिख रहा है।